नमस्कार मित्रों, जय सीताराम, जय सन्यासी बाबा की। हमारी वीडियो में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जी हाँ, आप दर्शन कर रहे हैं गुरुदेव के और महादेव जी के। आप देख सकते हैं जो नेपाल में कथा चल रही है गुरुदेव की। अब गुरुदेव वह पहले वहाँ पे गए और महादेव जी का अभिषेक किया, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। महाराज जी ने पिंक कलर का कुर्ता पहन रखा है और महरूम धोती बांध रखी है। और देख सकते हैं नेपाल की एक रस्म होती है, और जो महाकथावाचक होते हैं, जो महासंत होते हैं, उनको ये माला पहनाई जाती है, जो थोड़ी सी दिखने में घास टाइप की लग रही है लेकिन अच्छी लग रही है। ये कोई रस्म है जो नेपाल की है। और आप देख सकते हैं मंदिर में जो महादेव जी के भक्त हैं, महादेव जी का अभिषेक कर रहे हैं गुरुदेव, जो बहुत सुंदर से छोटे से शिवलिंग है और उनको अभिषेक किया। हर जितनी चीज़ों से अभिषेक होता है महादेव जी का। और देख सकते हैं रुद्राक्ष के महादेव बनाए और बहुत अच्छे से अभिषेक किया है गुरुदेव ने नेपाल में। और सभी भक्त, सभी जो भी इनके चाहने वाले हैं, सब साथ में थे, महासंत भी। और देख सकते हैं मंदिर में क्या आपको वीडियो के माध्यम से महादेव जी का दर्शन करने मिल रहा है, जो बेलपत्र के दूध के साथ, पुष्पों के साथ अभिषेक किया है गुरुदेव ने। और देख सकते हैं गले में भी रुद्राक्ष की माला कंठी धारण कर रखी है गुरुदेव ने। और बहुत अच्छी तरीके से पूजा सम्पन्न की और बहुत अच्छे से सभी ने मिलकर ये पूजा स्वीकार, महादेव की कृपा खूब बरसी, महादेव ने स्वीकार करी। सभी भाव से कथा करने सुन रहे हैं। नेपाल में कथा चल रही है गुरुदेव की, बहुत ही आनंद आ रहा है और बहुत ही हसीन पल है ये। जहाँ भी महाराज जी जाते हैं वहाँ इतनी रौनक छा जाती है, इतना आनंद आता है, क्योंकि पब्लिक इतनी आती है और जितने दिन कथा चलती है समझ लो बाहर आ जाती है। और बहुत ही बहुत खुशी होती है और आनंद भी आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नेपाल नगर में जो है बहुत बहुत दूर से भक्त आ रहे हैं कथा सुनने गुरुदेव के, और बहुत ही आनंद आता है। और इतना नहीं, गुरुदेव एक एक चौपाई के, हनुमान चौपाई के बारे में समझाते हैं। कहते हैं ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बालाजी की चली नहीं, हनुमान जी की चौपाई, यानी कि जिससे हनुमान चालीसा आती हो, उस हनुमान चालीसा की चौपाई के बारे में अच्छे से जाने, अनुभव करें और नियम से डेली राम पाठ करोगे और नियम करोगे तो हमेशा हमेशा प्रभु की कृपा रहेगी और ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसका समाधान न हो। और अपने प्रभु पे विश्वास है तो इस चौपाई के उच्चार करें और संकट कटे बिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत रघुवीरा। जी हाँ, सच्चे हृदय से चौपाई का जाप करोगे, यही गुरुदेव कहते हैं, तो ज़रूर कितनी बड़ी समस्या हो तुम्हारी ज़िंदगी में टिक नहीं पाएगी। हालात फिलहाल आते हैं, बहुत सारे हालात ऐसे, मजबूरी आती है, दुख आते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आते हैं। कोई भी दुख या खुशी टिकती नहीं है, हमेशा अपने समय समय पर आती है, समय पर जाती है। तो गुरुदेव